हेलो। जी नमस्ते। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया। क्या अरे हमारे बाली की तबीयत ठीक नहीं हो रही है भाई। हमारे हुआ? ऑफिस में वो कह रहा है मैं 2-3 दिन में मरने वाला हूँ। जो जो बोले मरने वाला उसको एकोनाइट दे दो। तो सुन लो इसकी क्या कष्ट है, बताओ। मेरे गले में दर्द है भैया। अरे तो गले में दर्द है, कोई मरता थोड़ी है। अरे कह रहे कई दिनों से है कि खुद खाना तक नहीं खाया जा रहा, बुखार फिर रहा हूँ। अच्छा, गले में दर्द है, और कुछ है? और कुछ है? नहीं बस। तो गोविंद जी नई मशीन लग गई, आ जाओ। आ रहा हूँ भैया आज। अब तो छुट्टी कर रहे होगे, बढ़ा रहे होगे? अब तो बढ़ा रहे हैं। बैच बनवाना हो तो दोबारा बता दो, कल आता हूँ। बैच बनवाना हो तो दोबारा बता दो, बनाता मैं हूँ। मेरा गला ठीक होगा तो बनाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, बाहर वो शहतूत के पत्ते पड़े, वो लाके उबाल के उसको पी लो, उससे गरारे कर लो। सुन रहे हैं? शहतूत के पत्ते अभी जा अभी ले लो, नहीं तो घर जाके हल्दी हल्दी और घी उबाल के पी लेना। ठीक है, लेगा कर रहा है करना, मगर ये नहीं है ऐसी। घी और हल्दी उबाल के पीना है। ठीक है ठीक है, हल्दी थोड़ा सा कम डालना, 3-4 चुटकी हल्दी डालना और 1 चम्मच आधा चम्मच घी पानी में या दूध में उबाल के उससे उसको गरारे करके पी जाना। ठीक है। और यहाँ पे जब दिन में रहो तो यहाँ शहतूत उबाल उबाल के पियो। ठीक है, शहतूत के पत्ते। ठीक है ठीक है ठीक है गोविंद। अच्छा नहीं, उसका वो बाबू लड़के का ऑफिस में लड़का जो था। हाँ हाँ, उसको तो बहुत फर्क पड़ गया था। उसने उसी दिन कह रहा था, कह रहा मेरी तरफ से उनको धन्यवाद कहिएगा, मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ गया है। उसको तो एक खुराक में फर्क पड़ गया, उस दिन बहुत रो रहा पिट रहा था वो, बहुत जल्दी फर्क पड़ गया। उसके लिए तो धन्यवाद। हम